जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपको पूरे पावस का टूर कराएंगे और अभी हम जा रहे हैं एक दरगाह पर वहाँ ज़ियारत करने के लिए। वहाँ जाने से पहले हम लेंगे कुछ फूलों की चादर, दिखाएंगे, बने रहिए और दिखाएंगे पावस के कुछ कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों ने नहीं देखे। सो गाइस देखिए क्या ही शानदार व्यू है जहाँ हम खड़े है, आप देख ही सकते हो। तो चलिए जाएंगे आगे। तुम खुश हो ना? बहुत खूबसूरत है ना हमारा गांव। बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ब्यूटीफुल। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। तो गाइस फाइनली हम गए यहाँ पर, अभी हम जाएंगे और बनाएंगे फूलों की चादर और लेंगे कुछ मिठाई। तो चलिए बने रहिए। हेलो रोजीना, कुत्ता है देखो, इसका दोस्त है लेकिन डरती, आओ आओ कुछ नहीं। तो ये भाई है हमारे जो बनाते हैं फूल की चादर। तो कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ का एरिया। आपका नाम क्या है भाई? रंजीत भाई है अपने। इसके पहले भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ। तो भाई अपना बना रहे हैं, अभी हम देंगे कुछ मिठाई। कुछ और चाहिए? वाओ, से हाय टू माय सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर चाय की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, भाई बहुत अच्छी चाय बना रहे, तो बोले चलो टेस्ट कर लेते भाई के हाथ की चाय। भाई दो कप चाय देना। तो अभी हमने यहाँ पर देखा चाय, ये भाई चाय बनाते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी। तो अभी हम चखेंगे, देखेंगे चाय की खुशबू से हम पीछे चले चाय लवर। तो फाइनली हो चुकी है रेडी। थैंक यू। तो फाइनली हमने ले लिया है, तो चलिए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स गो। गल्फ कंट्रीज में और अगर कोई मिस कर रहा है तो वो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, जो अपने गांव को मिस कर रहा है। देखिए ऐसा एक राइट रोड जाता है ऊपर, तो हम जाएंगे ऊपर। एकदम छोटा रोड है, चेक दिस आउट गाइस। किसी की खेती है ये गाइस। ये बहुत ही कच्चा रोड है, बहुत आगे है दरगाह, हम जा रहे हैं। चलो, तो भाई ने बोले थे कि यहीं पर है आगे जो बाइक वाले जा रहे हैं, तो अभी हम, उनने तो नहीं बताया कि वो वहाँ जा रहे, लेकिन हम जा रहे हैं जैसा उसने बताया। चलिए गाइस देखिए क्या ही व्यू है ये जो भाई आ गए हमारे बाइक पर, हमको गाइड कर रहे थे और इन्हें देखा जैसे हमारी गाड़ी नहीं आ रही है तो ये रुक गए। पूछा भी उनसे कि हमारे लिए आप वेट कर रहे हो क्या, तो बोले हाँ।
कुत्ते लेके जा रहे, चलो उनको फॉलो कर रहे हैं। बस तो यहाँ से जाता है रास्ता, कैसा लग रहा है? Feeling good. Feeling good? Let's go. जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अभी हम जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम जाएंगे इसके बाद रत्नागिरी, रोजीना का कुछ काम है। सो गाइस देखिए चिड़िया के घर कितने सारे सारे। सो गाइस यहाँ से होता है गांव स्टार्ट, तो अभी ले जाएंगे आपको। ये ऐसा लग रहा है ना आपको कि कहीं गोवा वगैरह में हो आप, व्यू देखकर। वो टाइमिंग पर शूट करने का मजा ही कुछ और है ना, है ना। चलो जाएंगे रत्नागिरी। सो गाइस अभी हम जा रहे थे रत्नागिरी के लिए, तो यहाँ पर ही एक लेफ्ट साइड पर एक बीच है, बहुत ही अच्छा शानदार बीच है, जिसका नाम है भाटिया बीच। तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर पार्किंग लगा देता हूँ यहीं पर, फिर आगे जाकर दिखाते हैं। वो पानी आज ऊपर तक है। तो यहाँ पर चाट कॉर्नर है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, जू चौपाटी की याद दिला रहा है, ये पागल मलाई लग रहा है, बताइए आप लोग। हाय रोजीना, हेलो। ओ गाइस हम आ गए हैं भाटिया बीच। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, बच्चों के लिए खिलौने बेचते हैं यहाँ पर। देखो कितना साफ सुथरा क्लीन बीच है, ये बहुत ही सुकून है, लोग फैमिली आती है, बहुत ही क्लीन स्पॉट है ये, और छुट्टी वाले दिन तो बहुत लोग होते हैं। अभी यहाँ से हम गुजर रहे थे तो सोचे आप लोगों को भी दिखा दें यहाँ का नज़ारा। उसी ना थोड़ा आगे जाएंगे, सामने है लाइट हाउस, जो कि मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में भी बताया था एक जगह से लाइट हाउस। ये यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर फ़ोटो शूट, पिक्चर की शूटिंग्स वगैरह भी होती है, शॉर्ट वीडियोज बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पता है इसके बारे में। कहाँ पर? हाँ वो लास्ट टाइम हम गए थे उधर है टेबल पॉइंट, जैसे कि रोजीना बता रही है। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, अभी थोड़ा रख देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए भी, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए दिस इज कॉल्ड रियल व्यू, देखिए ये नहीं, हम खुद लाइव एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जाएंगे और कुछ कोकोनट ड्रिंक पिएंगे यहाँ पर, कोकोनट वाटर, जो बहुत ही हेल्दी होता है अपने सेहत के लिए। लाइफ में आप डिहाइड्रेट हो जाओ तो कोकोनट वाटर ज़रूर पियो। जैसे कि मैंने बोला था अभी हम नारियल पानी पिएंगे, यहाँ पर बैठेंगे पानी में, तो हमारा नारियल पानी आ चुका है, तो चलो पियेंगे फिर मिलते हैं वापस। तो गाइज ये है रत्नागिरी का, बहुत ही बड़ा मार्केट है, देख सकते हो इस साइड और इस तरफ। सो लेट्स गो, और अंदर ये मार्केट को क्या बोलते हैं रोजीना? राम अली। ये तो भाई मारने के लिए ना रोजीना के लिए आई है, इसने लाल कपड़ा पहन के आई है ना। देखिए देखो इसको लाल कपड़े पे, फटका है सीधा। ये देखो देखो, आ जाओ भाई, ये लाल कपड़ा।
आएंगी लाल कपड़ा पहन के आज के बताओगी। और देखो देखो फुल रेडी पोजीशन में हो। प्यारे आजा आजा, ये टारगेट इधर है, टारगेट टारगेट। क्या ये तुम शॉपिंग कराने आए? मेरे को बोलिए एक छोटा सा काम है, क्या लेने गए? तो अभी हम जा रहे हैं अंदर बाजार में, तो रोजीना को लेना है कुछ दुपट्टा यहाँ से। मैच हो रहा है वो, ये इस पर मैच कर रही हूँ। ये किसने दिया है तुम्हें? ये तहजीब ने दी थी मेरे को, गिफ्ट है। हाँ दुपट्टा है, एक्सेल बैठेगा इसको, एक्सेल ना, एक्सेल एक्सेल। अरे क्या वो बोले ना एक्सेल, दिन रात का काम है। क्या दिन रात का काम है? वो एक्सेल बोल दे भाई। मस्त है। रोजीना